So guys, really wish you are fine. Today we are here with another topic और आज हम बात करेंगे कि कैसे रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. really wish रिडॉक्स का मीनिंग आपको आता होगा. रिडॉक्स मीन यू नो रेड मीन रिडक्शन एंड ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन. और इसमें हमने एक इक्वेशन ली है जिसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट को हमने जो है ऐड किया है HCl सॉल्यूशन में, राइट. और जब हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में HCl को इंट्रोड्यूस करवा दिया, HCl लिक्विड को, तो फिर पोटाशियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट इसमें बनेंगे और क्रोमियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट इसमें बनेंगे और क्लोरीन गैस जो है दैट विल बी गिवन आउट और साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो अगर आपने रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उससे पहले यू शुड नो द फ्यू रूल्स के यू हैव टू राइट द इक्वेशन विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. मीन टू से कि आपको तमाम जो इक्वेशन के एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में लिखना होगा. सो लेट्स ट्राई आउट this equation again. उसमें what we have to write, potassium dichromate reacts with hydrochloric acid produces potassium chloride, chromium chloride and with water molecules and chlorine gas. So that's the equation. So what I'm thinking around here is that कि आपने इसको लिखना. अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता तो आप मेरी प्रीवियस इक्वेशंस को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटाशियम चूंकि पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पर प्लस वन चार्ज होगा और ये टोटल 2n नंबर है. सो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया. और क्रोमियम को देखें आप, क्रोमियम का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी प्लस 6 और ये भी 2 एटम्स हैं. और ऑक्सीजन यू नो तमाम एलिमेंट्स के साथ नेगेटिव 2 बिहेव करता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव 2 होता है. सो नेगेटिव 2 होगा यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट में. हाइड्रोजन प्लस 1 होगा, क्लोरीन नेगेटिव 1 होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस, पोटाशियम प्लस 1 होगा जैसे कि यहाँ पे था और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव 1 है. यहाँ पर अब जो क्रोमियम है दैट इज समथिंग लाइक प्लस 3 और ये एक ही क्रोमियम है और जो साथ इसके क्लोरीन है उसमें क्लोरीन नेगेटिव 1 है और इसमें नो डाउट 3 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं. और हाइड्रोजन प्लस 1 होगा और उसके 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव 2 होगा, इसका एक ही एटम आपको पानी में नजर आ रहा है. और क्लोरीन यहाँ पे मैं आपको एक बात पता चलूँ कि जो क्लोरीन है मॉलिक्यूलर स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. ये आपको जो है पता होना चाहिए. मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ. इस रेफरेंस में मैं आपको शो करूँगा कि जो क्लोरीन है वो फ्री स्टेट में जो है उसका डेफिनेटली ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. ये रूल नंबर 1 आपको शायद पता हो. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0. दिस इज ऑफन शोन एज अ 0 रिटन ऑन द सिंबल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सोडियम एंड मैग्नीशियम. और इवन दो यू जस्ट से दैट कि अगर वो कंपाउंड फॉर्म में है तब भी क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा. सो यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस थिंग, राइट. Okay, fine. So here we have with the oxidation states on the equation, right? So आगे चलते हैं इसी progress को लेकर. Let's talk about another point for solving the oxidation number method, or you can say the solving the balancing the equation by oxidation number method. So let's go to the second point. So that was the first point we could say, right? Let's move towards the second point. अब सेकंड पॉइंट में जो है आपने ये चीज़ प्रॉपरली नोटिस में रखनी है कि जो आपने इक्वेशन लिखी है
उस इक्वेशन में आपने चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है. सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट दिस इक्वेशन फॉर यू. राइट एंड HCl इज द वर्ड पोटाशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल. राइट, पोटाशियम प्लस वन, क्रोमियम इज समथिंग लाइक प्लस सिक्स ओवर हियर. आई एम नॉट राइटिंग द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यू नो इट प्रॉपरली. सो नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन अगेन, नेगेटिव वन अगेन, प्लस थ्री. आई थिंक देर इज सम चेंज अराउंड हियर. पॉजिटिव नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव टू एंड जीरो. राइट, सो नाउ यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई ओवर हियर दैट दिस कंपाउंड contains this element. इसमें कुछ change नजर आया है and I think so this is the element जिसमें आपको change नजर आया है. So what else you can write around here is that कि ये जो element है chromium, यहां पर it turn out to be plus 3, यानी plus 3 से किसमें convert हो गया, प्लस थ्री ने. सो क्रोमियम ने अपने अंदर ये चेंजिंग्स ब्रिंग इन की. अब आप खुद सोचें कि कोई एलिमेंट जो है वो अगर प्लस सिक्स है तो प्लस थ्री कैसे होगा. डेफिनेटली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स के इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं. सो यहां पर क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यस टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स. और यहां पर कितने लूज किए हैं, टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो what you can say around here is that कि total three electrons उसने lose किए हैं, तो it means that कि something gaining kind of thing has happened. क्योंकि अगर यहाँ plus six है और यहाँ पर plus three है, it means that कि उसने तीन electrons gain किए होंगे तो plus three की form में आया ना. जैसे आप खुद अपने ऊपर ही example ले सकते हैं, अगर आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कम है और एक सिचुएशन में आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो डेफिनेटली अगर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इट मीन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कम है और तीन कम है तो तीन कम है, यानी कि आपने तीन गेन कर लिए हैं. सो यू कैन से दैट यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हुए हैं, गेन हुए हैं. सो यू कैन से दैट अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो दैट लिटरली इज रिडक्शन. तो यहाँ पर क्रोमियम प्लस सिक्स से प्लस थ्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इट मींस के रिड्यूस हो गया है, क्रोमियम इज बीइंग रिड्यूस्ड. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन. अब डेफिनेटली अगर आप पे नेगेटिव वन चार्ज है और यहां पे आप पे अब कोई चार्ज नहीं है, तो देर इज समथिंग चेंज इज बीन अकर्ड अगेन. और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, अब वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा आपके पास से, तो आप तो न्यूट्रल हो जाएंगे. सो इट लिटरली मीन्स के लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज ऑक्सीडेशन. राइट, सो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड दैट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन. राइट, दैट वॉज द सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स मूव अहेड टू अनदर पॉइंट. And that's the point number three, right? That's the point number three. So that's the second point जो मैंने आपसे discuss कर लिया है. So let's move towards the point number three. Let me tell you one thing around here कि आप HCl को दो मर्तबा लिख लें, right? और you have potassium chromate K2Cr2O7 and you have chromium क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड यू गॉट सम क्लोरीन गैस एंड यू गॉट सम वाटर मॉलिक्यूल. राइट, ओके, सो हियर वी हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, प्लस सिक्स, प्लस टू. याद रखिएगा मैं टोटल क्वांटिटीज नहीं लिख रहा इन एटम्स की, वो आप फर्स्ट स्टेप में मैंने लिख दी थी. And why I'm not writing, you know it really well, just save the time. लेकिन आप जब एग्जाम में इसको कर रहे होंगे तो बेटे आपने जो है लाजमी इसको
टोटल नंबर ऑफ एटम्स को शो करना है. सो इट्स नॉट टेक दैट मच गुड टाइम, लेकिन मैं फिर भी जस्ट नीड टू हरी अप विद यू बिकॉज यू नो दैट इट्स क्वाइट एग्जॉस्टिंग अगर वीडियो बहुत बड़ी हो जाए. तो अब ये हमारे पास जो है HCl है, ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू राइट, वी आर नॉट कंसर्न द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हम रिडॉक्स इक्वेजन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ यही चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन से एलिमेंट्स में चेंजिंग्स आई हैं. तो वी हैव मैंशन इन द प्रीवियस स्टेप कि ये प्लस सिक्स से जो है प्लस थ्री की कंडीशन में गया है और ये माइनस वन से जो है ज़ीरो की कंडीशन या न्यूट्रल की कंडीशन में गया है. तो अब एक चीज़ आपने और यू नो मेमोराइज रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशंस अक्कर हुई हैं ये कैसे हुई. आप खुद सोचें, अब यहाँ पर दो एटम्स हैं राइट, हाउ मेनी एटम्स, टू एटम्स. तो टू एटम्स का सिंपल सा मतलब है कि अगर एक एटम ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दो एटम्स ने 12 इलेक्ट्रॉन लूज किए. लेकिन इस केस में अगर हम प्रोडक्ट की केस में आ जाएं तो यहाँ पर अगर एक एटम ने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इट मीन्स दैट कि दो एटम्स ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए. तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं राइट, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं. इसका मतलब ये है कि डिफरेंस आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स का. तो यू हैव टू मेंशन कि जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हुए हैं, वो डेफिनेटली लूज हुए हैं, यानी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए हैं मीडियम में राइट. सो यू हैव टू राइट 6 इलेक्ट्रॉन्स राइट, दे हैव बीन gone through with different kind of stuff, right? So just need to write over here. उसके अलावा अगर आप देखें HCl के सीन में, तो HCl का सीन ये है कि जो HCl है इसका scenario ये है कि जो definitely chlorine neutral है, यहाँ पर दो atoms हैं chlorine के, यहाँ पर सिर्फ एक atom है. It means that कि जो दो electrons हैं that is being involved, right? यहाँ पर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, लूज हुए हैं. सो जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट राइट. अब ये भी चीज़ों से आप नोटिस में रखनी है कि अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डेफिनेटली अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर ये प्लस सिक्स है, 6 इलेक्ट्रॉन दो एटम्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर कहीं जाकर ये प्लस थ्री की स्टेट में यहाँ पर आएगा. तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये भी बात याद रखिएगा. वो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज बीइंग कमिंग फ्रॉम द क्लोराइड एटम. सो what यू gonna से अराउंड हेयर इज दैट ड्रॉ द एरोज बिटवीन द सेम एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड. तो आपने वो एरो ड्रॉ करना है जैसा कि मैंने किया है, ठीक है. और उसके बाद दे आर राइटिंग के ऑल्सो पॉइंट आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि जो क्या चेंज आया है वो आपने बताना है. एंड क्रोमियम हैज चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम प्लस सिक्स टू प्लस थ्री एंड क्लोरिन हैज चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम माइनस वन टू जीरो. It means that 6 electrons have been gained by 2 chromium atoms and 1 electron has been lost by 1 chlorine atom. Right? यहाँ पे क्या clear हो रहा है कि 6 electron जो है वो इसने gain किए हैं और 1 electron जो है वो chlorine ने lose किया है. So that's the step number 3, right? So let's move toward the step number 4. Right? अब step number 4 में क्या mention किया जा रहा है कि step number 4 में जो अब HCl है, let's write the equation very fastly. Cr2O7 plus HCl again. KCl, chromium chloride. Plus some water molecules and chlorine gas. अब क्या होगा जी, in order to balance the number of electrons on lost or gained by multiply HCl with 6. अब यहाँ पर HCl को आप क्या करोगे, 6 से multiply कर दोगे. ऐसा क्यों है, क्योंकि you know that कि अब जो इसने जो है 6 electron gain किए हैं state में आने के लिए, वो electron आए कहाँ से हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से है. डेफिनेटली दैट इज बीइंग केम फ्रॉम क्लोरीन. अगर आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके तो ये बात वाजह होगी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज किए गए हैं और फिर
डेफिनेटली 6 अगर क्लोराइड आयन्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो फिर वो 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन गैस के भी जनरेट करेंगे, बट यहाँ पे आपने सिर्फ 6, इसलिए यहाँ पर लिखना है क्योंकि ये बात इंडिकेट करेगी कि आपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज करवाए हैं। दैट लिटरली मीन्स के 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग समवेयर एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग ओवर हेयर बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन टेकन बाय द क्रोमियम आयन्स। So that's why you will write 6 around here. So that's the fourth rule, that the 6 electron lost by chloride will be gained by 2 chromium. And you just need to know that ki ye 2 chromium gain karenge. Ek chromium ne 3 electrons gain kiye hain aur 2 chromium jo hai wo kitne gain karenge? 6 electron gain karenge. So in this way atoms will have been oxidized and reduced to get balance. Aur is tarike se jo hai यू कैन से दैट के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे। सो यू हैव टू प्लेस 6 इन रूल नंबर 4, राइट? दैट्स इट। लेट्स गो टू द रूल नंबर 5, बाय बैलेंसिंग अ रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन। सो इफ यू जस्ट टॉक फॉर नंबर 5, अब जो है क्रोमियम आयंस को आपने ट्राई करना है कि बैलेंस कर दें, राइट? सो यू नो दैट HCl इज अराउंड हेयर, K2Cr2O7 प्लस 6 HCl, यू हैव टू रिमेंबर दिस, and KCl plus CrCl3 plus water and plus chlorine gas, right? अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यू हैव टू बैलेंस द क्रोमियम। देर आर 2 क्रोमियम्स अराउंड हेयर, यू हैव टू प्लेस 2। रिमेंबर कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज टोटली ऑड एंड रॉन्ग। आपने बैक साइड ऑफ दी कंपाउंड के ये जो नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने का तरीका होता है वैसे करना है। यू जस्ट डोंट नीड हैव प्लेस द 2 अराउंड हियर, दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट? सो यू विल प्लेस 2 एंड डेफिनेटली इफ यू विल प्लेस 2 अराउंड हियर इट मींस दैट यू हैव बैलेंस्ड द क्रोमियम। लुक एट दैट, पोटाशियम भी जो है वो 2 है यहाँ पे, सो प्लेस 2 अराउंड हियर, राइट? इसका मतलब ये होगा कि आपने पोटाशियम भी इसको बैलेंस कर दिया है, राइट? सो इस तरीके से जो है क्रोमियम और पोटाशियम दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखें, यू हैव टेकन आउट 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोराइड आयंस, राइट? तो यू हैव टू प्लेस 3 अराउंड हेयर ताकि क्लोरीन एटम्स को भी आप इस लिहाज से बैलेंस कर दें। डेफिनेटली जब ये 6 क्लोराइड आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो 3 मॉलिक्यूल्स में यू नो गेन हो जाएंगे। न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, पहले ये क्लोराइड आयंस थे, अब ये न्यूट्रल हो गए। अगर हम एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल, सो देर विल बी 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। सो दैट इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या है कि जस्ट नीड टू बैलेंस क्रोमियम एटम्स बाय मल्टीप्लाइंग द कंपाउंड विद 2 एंड बैलेंस क्लोरीन ऑन द राइट हैंड साइड हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 3 एंड इन दिस वे द एटम्स व्हिच हैव बीन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस आर गेट बैलेंस्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, अब पॉइंट नंबर 6 में जो है वो क्या बात की जा रही है, सो दैट इज द फोकसिंग पॉइंट। अब इसमें जो हमारे पास यू कैन से दैट कि पॉइंट नंबर 6 में जो है यू कैन से दैट दैट इज द पॉइंट नंबर 6, वी हैव डन इट बिफोर। HCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 6HCl एंड यू नो वी हैव बैलेंस्ड प्रीवियसली द क्रोमियम आयंस, सो प्लस 2 अराउंड हियर, वो मैंने आपको हैजिंगली जो है यू नो पहले ही बता दिया। Just need to do in this step, right? 2CrCl3 and H2O is there and chlorine gas is there. So three molecules of chlorine gas. So that's the step number 6. To ये जो potassium को आपने balance किया, ठीक है? Just need to remember, आपने chromium को balance करना है in this, right? Balance chromium. And just need to balance potassium in this step number 6. You have to remember this, right? और इसके बाद जो है एंड in the fourth point, if you remember, हमने क्या किया है, we have told that 6 HCl will be there. Why 6 HCl? क्योंकि definitely we need 6 electrons and all that stuff जो मैंने आपको बताया। So let's talk about point number 7. अब जो है आपने नाउ बैलेंस दोज एटम्स ऑफ क्लोरीन व्हिच हैव नॉट बीन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। अब उन एटम्स को आप कोशिश करें बैलेंस करने की जो ना ऑक्सीडाइज हुए हैं और ना रिड्यूस हुए हैं। सो डेफिनेटली हैव टू राइट द इक्वेशन
एंड डेफिनेटली इफ यू विल राइट द इक्वेशन इट विल टेक सम टाइम एंड यू विल बी गेटिंग एंग्री दैट व्हाई यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दिस डेफिनेटली यू नीड टू वेट फॉर दिस इन ऑर्डर टू गेट द सूटेबल गुड आंसर्स. ओके सो हियर वी हैव सो लेट यू जस्ट नीड टू बैलेंस दोज थिंग्स जो कि अभी हम बैलेंस हैं. लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट. अब आपको पता है कि टोटल जो है एटम्स आपने बैलेंस करने हैं इसमें. अब पोटाशियम तो डेफिनेटली बैलेंस हो गया है, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं. क्रोमियम भी बैलेंस हो गया है, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं. अगर हम अब आगे चले तो क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन छः यहाँ पे हैं और डेफिनेटली छः यहाँ पे हैं. 12 क्लोरीन है और दो यहाँ पे हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं राउंड अबाउट दे जस्ट बिकम राउंड अबाउट यू नो सिक्स सिक्स ट्वेल्व एंड आई डोंट नो टू अराउंड हेयर हाउ मेनी या 14. सो 14 में छः तो ये हैं राइट, छः ये हैं, कितने रह गए? यस 8. सो यू जस्ट नीड 8 मोर क्लोरीन. सो प्लेस 8 अराउंड हेयर राइट, यू विल प्लेस 8 अराउंड हेयर. और व्हेन यू विल प्लेस 8 अराउंड हेयर तो डेफिनेटली अब हाइड्रोजन रह जाएगा. हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे 6 हैं, टोटल कितने हो गए? या 14. सो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं और हेयर हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 2 हाइड्रोजन. सो प्लेस 7 अराउंड हेयर, इट बिकम्स समथिंग लाइक 14 राइट. एंड दैट्स हाउ द थिंग्स विल गोज ऑन. एंड ऑक्सीजन जो है देख लें आप, ऑक्सीजन कितने हैं? 7 हैं यहाँ पे राइट. एंड ओवर देयर तो आई थिंक सो यहाँ पे भी 7 ही है. लुक एट दैट, यहाँ पे भी 7 ही है. तो हमने अभी क्या किया है, हमने हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है राइट. हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है और हमने क्लोरीन को बैलेंस किया है. क्लोरीन यहाँ पे भी है, क्लोरीन यहाँ पे भी है. सो क्लोरीन को हमने क्या किया है? बैलेंस किया है राइट, और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है. सो दैट इज बीइंग डन इन द 7th स्टेप. सो लेट्स कैरी ऑन विद द लास्ट स्टेप राइट. लेट्स कैरी ऑन विद द लास्ट स्टेप व्हिच इज द 8th स्टेप. अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड. अब कोई इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू जो है आप सारी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स मल्टीप्लाई यू नो H2O विद 7 राइट. तो डेफिनेटली आपने क्लोरीन बैलेंस कर लिया स्टेप नंबर 7 में. अगेन आई जस्ट बिकम हेजी, मैंने वाटर को भी इसी स्टेप में बैलेंस कर दिया है. बट जस्ट नीड टू बैलेंस द वाटर मॉलिक्यूल बाय इंस्पेक्शन मेथड. सो यू कैन से दैट कि अब जो कुछ रह जाएगा एंड पे उसको आपने इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू बैलेंस करना है. सो ऑलरेडी आई हैव बैलेंस्ड दिस इक्वेशन टोटली एंड दैट इज हाउ क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डेफिनेटली व्हेन रिएक्टेड विद HCl विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 2 मोल ऑफ क्रोमियम क्लोराइड एंड 7 मोल ऑफ वाटर एंड 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस. एंड ये 7 जो प्लेस किया गया है दैट इज द स्टेप नंबर 7 राइट. एंड दैट इज बीइंग डन बाय इंस्पेक्शन मेथड. सो इस इक्वेशन को आप ये जो आप इसल दो दफा लिख रहे हैं आप इसको एक दफा लिख सकते हैं राइट. लेट मी राइट द लास्ट इक्वेशन विद द रेड पेन. K2 राइट, K2 Cl2O7 plus 8 and 6, how many? 14 HCl goes to 2 potassium chlorides, 2 chromium chlorides, 7 water molecules and 3 chlorine gas molecules, right? So that is what I have done for you and I really wish कि आपको कुछ समझ में आया होगा. आपने जो कुछ टाइम दिया है आपको क्लियर हुआ होगा. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव बैलेंस्ड द केमिकल रिडॉक्स इक्वेशन, द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, दूसरे में चेकआउट करें उन एटम्स को जो कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. फिर थर्ड पॉइंट में चेकआउट करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें से आउट एंड इन हुए हैं. फिर फोर्थ पॉइंट में आपने 6 HCl प्लेस कर देना है क्योंकि यू नो दैट कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर क्रोमियम ने गेन किए हैं तो कहाँ से किए हैं? दैट इज बीन टेकन फ्रॉम द नेगेटिव आयन ऑफ क्लोराइड.
एंड फिफ्थ स्टेप में आपने क्रोमियम को जो है वो बैलेंस करना है, और सिक्स स्टेप में आपने पोटाशियम को बैलेंस करना है, सेवन स्टेप में आपने ट्राई टू बैलेंस क्लोरीन एटम्स राइट, एंड द लास्ट स्टेप ट्राई टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स इन द इक्वेशन एंड राइट द दैट विल बी इंस्पेक्शन मेथड एंड राइट द इक्वेशन विद द प्रॉपर वे राइट, जस्ट एड दीज टू थिंग्स टूगेदर राइट एंड दिस इज हाउ यू गोना डू दिस इक्वेशन. सो आई रियली विश कि ये आपको समझ में आया है, ये आपके लिए बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन आ जाता है. सो यू कैन राइट द स्टोरी अराउंड हियर, अगर आपको कुछ डाटा पता है तो आप पॉइंट से पहले इसके बारे में लिख दें ताकि आपको अच्छी मार्किंग हो एग्जाम में. एंड इट कुड बी अ 8 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, यू नो 4 मार्क्स क्वेश्चन, इट डिपेंड अपॉन द बोर्ड एग्जामिनर कि वो कितने मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन देता है. सो रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच.